अब जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो दिखा देता हूँ आपको, रेडी है? देखिए कुछ नहीं यार, कॉफी खत्म कर ले पहले। कॉफी तो चलेगी यार साथ साथ। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं यार, मैं कर रहा था ना शाम को काम। अच्छा। मामू ने काम भेजा था, काम कर रहा था खत्म, तो ऐसे ही वो डेटा सेव करने लगा कुछ, तो एक फोल्डर मिला, वो लिखा न्यू फोल्डर। मैं न्यू फोल्डर ये क्या चीज़ है? तो यकीन कर उसमें क्या मिला? क्या? लद्दाख के वीडियोस मिले पुराने। वो तो डिलीट हो गए थे ना? डिलीट हो गए थे, वही मैं भी सोचूं कुछ रॉ, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा फुटेज मिला, कोई 5-6 वीडियोज ऐसे मिल गए। मैंने कहा सही है, रात को फिर मैंने पूरी रात बैठ के देखता रहा वीडियो, एक बार थोड़ी 3-4 बार देखी वीडियो। जबरदस्त मजा आया। मैं उस टाइम यहाँ पे था नहीं शायद। तू उन दिनों NIT था ना श्रीनगर? अच्छा 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 अच्छा। तब मैंने उन दिनों जबरदस्त बाइक ली थी। क्या सुना ना पूरी स्टोरी सुना से यार, क्या हुआ, गया था किधर, गए थे, कौन गया था साथ? ये इसको पूरी अगर तुझे मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी तो उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो बात है 2000 शॉर्ट में भी सुनेगा, वो भी चलेगा शॉर्ट में चलेगा। ये बात है 2018 की। अच्छा। हाँ 2018 में हम लोग गए थे लद्दाख। रमजान का महीना था, मैं मेरे साथ दो और मेरे दोस्त, हारून जिसको तो जानता ही है। अच्छा अच्छा। अपना बिरयानी मैन और एक वो था अमन भाई से पहली बार मिला। फिर निकल गए, रमजान का महीना था। अच्छा। हम लोग निकले यहाँ से तो चलते चलते अभी अंधेरे में ही थे हम लोग, तो हम तकरीबन अच्छा टनल अपना क्रॉस किया फर्स्ट टाइम नाचरी चनानी नाचरी टनल। वीडियो बनाई थी यार, वो नहीं मिली, वो डिलीट हो गई थी। चल चल कोई नहीं, बता तेरे को वीडियो डिलीट हो गई थी। फिर हमने क्या किया, हम सुबह सुबह पहुंचे इरफान पीड़े 8 बजे। इतनी जल्दी सुबह 8 बजे हम लोग पीड़े पहुंचे। लोग करते उधर की तो वीडियो बनाई होगी। बनाई थी यार वीडियो, राजमा चावल खाए, वीडियो बनाई थी। दिखा रहा यार, वो नहीं मिली, वो भी शायद डिलीट थी, वो मिली नहीं वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। पीड़े खाए राजमा चावल 8 बजे, लोग सुबह नाश्ता करते, हम लोग राजमा चावल खा के निकले सुबह 8 बजे। अच्छा। अब हमें लगा हम जल्दी पहुंच जाएंगे रामबन आगे, तेरे को पता उस समय खराब रोड, अभी भी रोड खराब ही है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। तो हम लोग फिर तकरीबन 3 बजे पहुंचे श्रीनगर। अच्छा श्रीनगर तो सारे घूमते, उधर की तो वीडियो होगी होगी। वीडियो तो बनाई थी यार, मगर ना वो भी नहीं, उधर की भी नहीं। श्रीनगर रात को रुके, डल लेक वगैरह घूमे, हम रुके थे शबीर भैया के पास। शबीर भैया ने होटल में हमें रुकवाया, कोई पैसे नहीं, शबीर भैया ने कोई पैसे ना खाने पीने होटल कुछ नहीं, घुमाया शबीर भैया ने। शबीर भैया अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, शबीर भैया लव यू यार, आप मतलब बहुत अच्छे हो यार, सीरियसली मतलब मैंने आपका जैसा बंदा नहीं देखा, लिटरली यू आर ए वेरी गुड गाय। फिर निकले अगले दिन जी सुबह, अपनी पैकिंग शैकिंग हुई रस्सियों के साथ, बंजी कॉट, हमें पता नहीं था बंजी कॉट चीज़ क्या होती है यार, खरीदी नहीं हमने, सोचा नायलन की रस्सी को ना बांध नहीं लगती, कभी एक्सपीरियंस करना, जितना मर्जी टाइट बांधे ना थोड़ा हिल डुलेगी, नायलन की रस्सी खुल जाती है। नायलन की रस्सी से बांधा हुआ सामान लेके जा रहे हैं। अब जो आने वाला जो व्यू है ना वो जबरदस्त है, जिसके लिए सब लोग सोनमर्ग, तो फिर लोग आ जाते हैं सोनमर्ग से आगे यार, दो जिला। हाँ सोच, अच्छा अच्छा यार, दो जिला पास होगी,
उधर की तो होगी, बनाई थी। अब ये नहीं बोलना कि उधर की भी नहीं, रात में सुनना ही नहीं है। अरे सुन सुन सुन, अब सुन तो सही। मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आना यार, आना यार, वीडियो बनाई थी तो यार वीडियो ना डिलीट हो गई। नहीं मतलब काट रह गया मेरा, सच्ची बता। काट तो सुनना आगे। अच्छा अच्छा, जो जिला भाई, छठ इंच सूखी मिट्टी पहाड़ कटा हुआ था, छठ इंच सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी जबरदस्त। अच्छा जोजिला में? अच्छा सही, सूखी मिट्टी की आज जोजिला क्रॉस। मैं बहुत एक्साइटेड था। बाइक कौन सी थी भाई के पास? कौन सी? सुपर बाइक तो लेके गया था। मेरे लिए तो वो सुपर ही थी। अच्छा सबके लिए सुपर थी, सब परेशान ही। गैस कर पता कौन सी थी? तो वो सुपर ही फ्लैटी रानी बोलना यार। तेरी कसम फ्लैट, तेरी कसम प्लैटिना 100 सीसी। जब मैं पहुंचा ना जोजिला, सब देख रहे भाई ये क्या लेके बुला घूम रहा है। जोजिला क्रॉस करते हुए फिर हमने द्रास क्रॉस किया। द्रास कहते हैं सेकंड, मतलब कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोग रहते हैं। ये तो है। सुना है मैंने, ये तो है। वहाँ पे, वहाँ से क्रॉस करते हुए हम पहुँचे कारगिल इरफान। कारगिल में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जिसके लिए सब लोग जाते हैं वहाँ रुकते हैं, मेरे को लगता है सभी लोग रुकते हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल, याद है? अच्छा हाँ, वो वॉर की, कारगिल वॉर मेमोरियल। हम लोग गए, हम लोग वहाँ रुके। ठीक ठीक ठीक, नहीं पूछेगा वीडियो होगी? नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, वीडियो है। अच्छा उधर की है? क्या बात कर रहा है यार, दिखाना। लो देखो फिर वीडियो। अरे भैया वीडियो के साथ फोटो भी है मेरे पास। अच्छा तो दिखाना फिर। लो देखो। उसके बाद हम लोग वहां से निकले, बहुत से मतलब पासेज आए क्रॉस करते हुए हम लोग, फिर हम पहुंचे अपना ले में। ले में सबसे पहले पहुंच के पता हमने क्या किया? क्या? गैस कर। सबसे पहले मैंने अपनी बाइक वॉश कराई, उसके बाद एक होटल लिया और सो गए। ये तो सबसे जरूरी काम था। ये जरूरी काम था। पता क्या किया? अच्छा फिर एक दिन वहां पे तुमने रेस्ट किया? हाँ एक दिन हमने रेस्ट किया। तो हमें किसी ने कहा कि आपको पासेस बनाना पड़ेगा अगर आपने खारदुंगला क्रॉस करना है, उसके लिए पास बनाना पड़ेगा। तो फिर जब हम वहां गए, पास बनाना पड़ता है। तो जब हम लोग गए तो उन्होंने बोला जो लोकल्स हैं, मतलब जो जे एंड के स्टेट से हैं, अब तो यूटी हो गया स्टेट से, थोड़े वहाँ के नहीं, उनको नहीं बनाना, बट जो हाँ जो स्टेट से बाहर से आते हैं उनको पास बनाना पड़ता है, परमिट बनाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ जाना। हाँ सबसे बड़ा टास्क था इरफान मेरे लिए कि प्लैटिना को लेके खारदुंगला पहुँचना। यार ये तो बड़ी बड़ी बात है। खारदुंगला जब हम पहुंचे, खारदुंगला से ना थोड़ी देर पहले, थोड़ा ही मतलब 100 मीटर पहले ना लैंडस्लाइड होता है अक्सर वहाँ पर, तो वहाँ पे ना बाइक्स लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स लगी, सब रुके हुए थे। जब वहाँ बाइक लेके पहुँचा लिटरली यार लोगों ने मुझे देखा कि यार ये क्या लेके आया। वो बंदा बोलता कहता यार इधर 350 सीसी रॉयल इनफील्ड चलना, मतलब एफर्ट मार दो, तो आप प्लैटिना कैसे लेके आ रहे हो? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, बस चल रही है प्लैटिना लेके। फिर हम लोग पहुँचे खारदुंगला, बट अफसोस खारदुंगला का ना कोई वीडियो नहीं है हमारे पास, बट हाँ फोटो है। फोटो ही दिखाना है यार। फोटो देखो जनाब, फोटो देखो, फोटो ये रही फोटो जनाब। सही सही। फिर वहां से हम लोग निकले, फिर हम वहां से क्रॉस करते हुए हमने अगम क्रॉस किया। अगम क्रॉस करके फिर हम लोग पहुंचे नुब्रा वैली में। नुब्रा? हाँ नुब्रा, बहुत ब्यूटीफुल वैली है। वो कहते हैं ना मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंस कहते हैं जहाँ रेगिस्तान होता वहाँ पानी नहीं होता, जहाँ रेगिस्तान होता वहाँ हरियाली नहीं होती। नुब्रा ऐसी वैली जहाँ पे रेगिस्तान भी है, पानी भी और हरियाली भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जगह। हम लोग फिर वहाँ रात में रुके, हमने टेंट लिया। तो क्या सोच रहे, टेंट की वीडियो है? नहीं नहीं, मैंने पहले बोल दिया टेंट की वीडियो। तो टेंट की वीडियो ये रही, टेंट की वीडियो। तो ये जो आप टेंट अभी देख रहे हो,
ये टेंट जो है हमने 3,000 रुपये में लिया था 3 लोगों के लिए। इसमें हमें रात का डिनर दिया था और उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट इसी में था। अनलिमिटेड फूड बुफे लगा था और हमने दबा के रोटी खाई है। बॉनफायर हम पूरी रात बॉनफायर में हमने इंजॉय किया। सही, नुब्रा में था। नुब्रा में हमने बहुत इंजॉय किया। हमें टेंट बहुत अच्छा लगा, जैसा कि आप ये टेंट देख रहे हो। सारा सामान हमारा बहुत अच्छा था टेंट। तो मज़े की अब चीज़ बताऊँ, सुबह सब जा चुके थे इरफान, जितने राइडर्स आए थे सब। ढाई बजे तक तो हम लोग गप्पे मार रहे, ढाई बजे तक तो हम आग सेक रहे थे, वो भी जून के महीने में, वहां ठंड थी। जून के आसपास रमजान में वहां ठंड थी। हम लोग क्या हुआ मेरा बेटू, हम लोग सब चले गए। इरफान कौन कौन रुका? मैं, हारून, अमन भाई, हम 3 लोग वहां पे। फिर हम लोग वहां से निकलते वापस आए, फिर हमने अगम वापस क्रॉस किया, श्योक क्रॉस किया। श्योक के कुछ एक आध फोटो है मेरे पास, ये जनाब बीच बीच में आ रही है फोटो। श्योक क्रॉस किया, वहां से होते तांगस्ते गांव पड़ता है, वहां से तांगस्ते को क्रॉस करते हैं। फिर हम लोग पहुंचे 3 इडियट वाली लेक पेंगोंग। ओ, उसकी तो वीडियो नीचे यार, उसकी तो वीडियो दिखा कर आया। वीडियो शुक्र है ऊपर वाले का, उसकी वीडियो बची है। जिसके लिए इतनी मेहनत मारी, इतना घूमे। तो ये रही आपकी पेंगोंग लेक की वीडियो। वेल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ठंडा यार, जैकेट टोपी बहुत कुछ। पीछे का व्यू तो अच्छा लग ही रहा होगा, है ना? चलो अब जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो दिखा देता हूँ आपको। रेडी है? देखिए, दिस इज द पेंगोंग लेक। सूरज उस तरफ है तो शायद फोटो क्लियर नहीं आ रहा होगा। और ये हमारे अमन भाई। हेलो अमन भाई, कैसे हो सब आप? कैसा लग रहा है? बहुत। रात में कैसा व्यू था? ठंड तो बहुत है। ठंड बहुत थी लेकिन पेंगोंग लेक इज ऑसम। ओ यार माय गॉड, कोई मुकाबला नहीं, कोई नहीं। मतलब यहाँ पे आगे ना जो इतना मेहनत किया ना वो सब वसूल हो गया। पेंगोंग लेक दिखाई रात को, वहां पे भी हम टेंट में रहे। हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था टेंट का, पहला जो हम नुब्रा में रहे, सेकंड एक्सपीरियंस टेंट का जो हम पेंगोंग में रहे। वहां से हम लोग निकले, थोड़ा ही दूर चले, मुझे लगता है शायद 2-1 किलोमीटर चले। अमन बाइक की तो बाइकें थी, एक इलेक्ट्रा 350, हारून चला रहा था एवेंजर और मैं चला रहा था अपनी प्लैटिना। भाई तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम आगे निकले पेंगोंग से। वापस आते हुए हाँ, अमन बाइक की बाइक मिसिंग मार रही है, हम परेशान। हाँ बोल, और वो खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया। इरफान उस वो चढ़ ही नहीं रही यार, चढ़ाई नहीं चढ़ रही थी, हम परेशान। मगर हम भी लौंडे हैं जम्मू के भाई, हार नहीं मानी। एक लोडर आ रहा था कैंपर, उसको हाथ दिया, उसमें बाइक लोड की और पहुंचे तांगस्ते गाँव, 40 किलोमीटर दूर है वहां पर। कितना किराया लिया उसने वहां से? कितना दूर है? 40 किलोमीटर सिर्फ। अच्छा, उसने हमसे लिया 2,000 रुपए। 40 किलोमीटर का 2,000 रुपए लिए उसने। मजबूरी क्या करते, जीना पड़ा। वहां पहुंचे, वहां पे एक मैकेनिक मिला, उसको दिखाया, बट उसको या उसने स्पार्क प्लग रहा, उसने नया स्पार्क प्लग डाला, तब भी वो चला नहीं। सब लोग चले गए वहां पे। फिर वहां पे एक और कैंपर दिखा हुआ, हमने उससे बोला कि हमें ये बाइक ले पहुंचानी है, उसने बोला पहुंच जाएगी। तो वहां से ले आई थिंक दोबारा से उसमें डाली, फिर दोबारा दूसरे लोडर में डाली और वहां से होते हम पहुंचे चांगला पास। तो बाइक लोड होने की कुछ वीडियो है मेरे पास, फुटेज पड़ी है। तो ये रही वो फुटेज जहाँ पे बाइक, देखो अब अभी आप वीडियो में देख रहे हो बाइक लोड है और बाइक मेरे आगे आगे चल रही है, मेरी प्लैटिना पीछे पीछे, और जो वीडियो शूट करा वो हारून के बाइक पे बैठा हुआ पीछे अपना अमन भाई वीडियो शूट करा। वहाँ से होते हुए हम चांगला पास को क्रॉस किए, आई थिंक वो सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मुझे कंफर्म नहीं बट है। तो अभी तो खैर अभी जो नया पास वो तो उमिंगला पास आ गया, फर्स्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास। वहाँ से होते हुए चांगला से होते हुए हम लोग ले पहुंचे। अब तो गेस कर, वहाँ से हमें ले पहुंचने में उस बंदे ने 5,000 रुपये हमसे लिए किराया। मतलब वापस आते हुए आना हमने मनाली से था, प्लान हमारा मनाली से था। हारून को कुछ इमरजेंसी काम आ गया जिससे हारून को घर आना जरूरी था और हमने हारून को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। हमने कहा साथ आए हैं तो साथ जाना, साथ आए हुए तो हम लोग ले पहुंचे। हमने 7,000 रुपया किराया दिया पेंगोंग से वहां ले पहुंचाने का बाइक का। टोटल हो गया 9,000। नहीं नहीं टोटल 7,000, 5 और 2 7,000। उसके बाद हम पहुंचे मैकेनिक का डायरेक्ट, हमने मैकेनिक को गेस कर प्रॉब्लम क्या थी, कार्बोरेटर में कचरा था, उसने कचरा साफ किया, सिर्फ 250 रुपए लिए हमसे लिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं
अमन भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो दिन याद आ जाएगा आपको। ओ यार सीरियसली तेरी कसम, हम ना मतलब क्या हुआ क्या, 250 रुपए का काम था जिसने 7,000 रुपए का खर्चा कराया। फिर ले रात को रुके, उसके बाद मतलब प्लैटिना 100cc लेके मेरे लिए इरफान, वो मतलब मैं कहता हूँ बाकियों का नहीं मैं पता, मतलब हाँ मेरे खुद के लिए मतलब मेरी सोल के लिए मुझे लगता कि मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था इरफान। मैं कहते हैं ना वो मतलब बाइक की बात नहीं होती है, जिगरे की बात होती है। मैं मुर्तजा जुनेद सर से मिला था, मुर्तजा भाई से मिला था, आर्ट ऑफ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा राइडर होगा जो मुर्तजा भाई को नहीं जानता, और जो ये कहे कि वो मुर्तजा भाई को नहीं जानता तो भाई साहब वो राइडर नहीं है, वो राइडर नहीं। तो हमारी बात हुई थी, तो मैंने उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला था घोड़ा कोई भी हो जॉकी अच्छा होना चाहिए। ये बात सही। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अच्छा था इरफान। हम लोग ले से निकले हैं, फ्राइडे का दिन था, मुझे आज भी याद है, हम लोग 8 बजे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे हम लोग ले से निकले, बारिश हुई रास्ते में, गंदी बारिश हुई, जोजिला पास में बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई, बारिश में बीच बीच में बारिश होती रही, जोजिला में अक्सर बारिश होती। इरफान हम लोग ले से लेके ना डायरेक्ट श्रीनगर गए हैं कॉन्टिन्यू, मैं प्लैटिना लेके 450-450 किलोमीटर है, बात किलोमीटर की नहीं है, बात है कि आप उस रास्ते को चला के आ रहे हो जो रास्ता मतलब दिन में चलाने में मुश्किल होता है। हम लोग रात को 11:30 बजे हम लोग पहुंचे हैं फिर शबीर भैया के पास। शबीर भैया आई लव यू यार, शबीर भैया कोई होटल का किराया कहीं अपने होटल में ठहराया उन्होंने, जहाँ वो थे उन्होंने रूम अरेंज करवाया, इवन रात के 12 बजे हमें डिनर अरेंज करवाया, सुबह ब्रेकफास्ट अरेंज कराया। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद हारून चला गया अलग, क्योंकि हारून को काम जरूरी था जैसे कि मैंने तेरे को बताया, हारून चला गया था। फिर मैं और अमन भाई हम लोग साथ साथ होते हुए फिर जम्मू पहुंचे। तो ये थी सारी दास्तान इरफान जो लद्दाख की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, क्या लगता है पसंद आया होगा? आया होगा, इतनी मेहनत की, पसंद तो आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब के बटन को उंगली करो, लाइक के बटन को उंगली करो। ओ, तब तक के लिए कैसे करते हो आप भाई? सो मच, हम भाई से करते हैं, तो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम।